Hello everyone, good morning again to the new vlog. ऑफिस खुल चुका है जैसे मैंने बोला था. कल तो ऑफिस नहीं गया, उसका कारण था कि ऑफिस में इंटरनेट का कुछ इश्यूज था, इश्यूज चल रहे थे. सो द मैनेजमेंट आस्क्ड टू वर्क फ्रॉम होम. नाउ आज ऑफिस जाना पड़ रहा है, आज कोई दिक्कत नहीं है. तो सारी तैयारी, जाने का मन तो नहीं कर रहा, आपको भी पता है किसको ऑफिस जाने का मन करता है. अब वही ढूंढ रहा हूँ क्या क्या सामान, लैपटॉप वहाँ पे है और सारी तैयारी हो चुकी है. लैपटॉप भी डिस्चार्ज हुआ हुआ है, जाके सीधा उसको ऑफिस में चार्ज करेंगे. चलिए लैपटॉप को भी पैक कर लिया जाए, पावर बैंक भी फुल चार्ज है, चश्मे में एंटी फॉग लग चुका है. ये बड़ा वाहिया सा लैपटॉप है. तो मैंने पहले भी है देखते हैं आज का टेस्ट. एक बात और, इस हफ्ते फिर से एक राइड पे निकल रहा हूँ. वो राइड कहाँ के लिए है वो मैं बाद में बताऊँगा. वो इसलिए बाद में बताऊँगा क्योंकि अभी एक और है फ्रेंड मेरा, वो भी बोल रहा है कि साथ में चलूँगा. अब मुझे ये नहीं पता कि वो पक्का चलेगा है भी या नहीं. अगर चलेगा वो तो उधर जाऊँगा, नहीं तो किसी और रूट का प्लान बनाऊँगा. तो जैसे ही ये अपडेट हो जाता है, फाइनल हो जाती है कि हाँ भाई उस रूट पे चलना है, तो उस रूट पे चलेंगे और मैं उस चीज़ का आपको अपडेट कर दूंगा. अब बहुत ही खूबसूरत जगह है अगर उस रूट में अगर गए तो. चलिए जल्दी से मैं अपना नाश्ता कंप्लीट कर रहा हूँ, 10 बजने वाले हैं, ऑफिस पहुँच गया हूँ ऑफिस. ये है दीपक, हमारे चाय के चपरी वाले. एक बंदे को हम लोग बहुत मिस करते हैं ना, सूर्या भाई. सूर्या भाई वो अब इस दुनिया में नहीं है, भगवान उसकी आत्मा को शांति बखाई, इतना दारू मत की. लेकिन माना नहीं. ये रहा बाटा चौक अपना, ये रहा अपना ऑफिस और ये रहा दीपक. तो दोस्तों ऑफिस पहुंच गया हूँ, ये है अपना धर्म. 16 साल से एक ही साथ हम लोग काम कर रहे हैं, कंपनियों की बैंड बजा रहे हैं और उनका पैसा ले रहे हैं. कोई काम नहीं करता ये लड़का, और खाली दिखाएगा कि हाँ मैंने इतना काम किया है और 1.5-2 लाख रुपया महीने का पीटता है. ऑफिस छोटा सा बड़ा सा. वेलकम बैक अगेन. शाम हो गई है, ठंड बहुत ज़्यादा, आज जैकेट पहन के नहीं गया. लग रही थी दिल्ली की, आपको पता है सर्दी कैसी होती है. आज हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी. इधर शुक्र मना एक दोस्त मिल गया, उसकी गाड़ी थी तो वहाँ से कार में आ गया रूम तक, तो थोड़ा सा बचाव हो गया. और रही बात ऑफिस की, ऑफिस में आज मिला जुला सा रिव्यू था. अभी तक सब आ गए हैं बट लेकिन कुछ अभी बाकी हैं, दोस्त मित्र आने बाकी हैं. तो जैसे ही आ जाते हैं फिर उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, मन भी लगना स्टार्ट हो जाएगा. एक्चुअली क्या है ना, सब घर से आए हैं तो उतना मन नहीं लग रहा है. ये थोड़ा सा सैड है क्योंकि इतने सालों बाद घर से बाहर निकले, वापस घर को छोड़ना भी आपको पता है इतना आसान नहीं होता है. क्योंकि आपको पता है मोह घर का बन जाता है. बट लेकिन जैसा भी है यार, काम काज तो करना पड़ेगा, घर में कब तक बैठे रहेंगे. और काम करेंगे तभी पैसा भी मिलेगा. है ना, सही बोला है कि नहीं? काम करने का ही पैसा मिलता है, घर में बैठने का पैसा नहीं मिलता है भाई लोग. आजकल की ऐसी ही. और ये रहा मेरा छोटा सा रूम. हाँ सच, ये दिखाना भूल गया था मैं, ये अपना छोटा सा रूम है.
ये अभी रिसेंटली लिया था कल, ये एक अलमारी मिल गया अलमीरा, और ये अपना बेड है। गद्दे वगैरह मैंने खुद खरीदे हैं, खुद के पैसे है। यहाँ खाली बेड मिला है और ये अलमीरा छोटा सा रूम है। ये शीशा फिर से घर, अभी तक देखो रूम की मैंने कुछ वो भी नहीं किया, अपने सारे सामान वैसे ही पड़े। सैडलिंग वगैरह करनी, मतलब कि सैडल बैग को खाली भी नहीं किया। नेक्स्ट राइड का भी प्लान कर रहा हूँ, जल्दी मिलेंगे नए डेस्टिनेशन पे। अभी तक जैसा मैंने मॉर्निंग में बताया था कि वो अभी डिस्कशन में ही है कि वहाँ चलना है या कहीं और चलना है। जैसे ही प्लान बन जाता है तो फिर मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। अब मिलेंगे फिर हम लोग नए डेस्टिनेशन पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए साइन ऑफ।